entrenar. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आगरा मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ। और जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिल देगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति आराधना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और वचन का मनन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं दाहोद गुजरात से हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने भैया अनुपम भैया का आगरा मसीह मंडली इस पेज पर। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आप सबके समक्ष आ सकूँ, जो कि मैं तो इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं परमेश्वर के उस सामर्थी कलाम को अपने हाथों में उठा सकूं या अपने होठों से ले सकूं। परंतु अद्भुत करने वाला परमेश्वर, मेरे प्रियो, कलाम कहता है कि मैं अद्भुत करने वाला परमेश्वर हूं। यदि तुम नहीं बोलोगे तो मैं इन पत्थरों से अपनी स्तुति करवा लूंगा। आमेन। तो इसी तरह से प्रभु ने मुझ एक पत्थर को अपने लिए चुना। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। सो आइए हम इस समय अपने उद्धारकर्ता, अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने सरों को झुकाएंगे और बड़े आदर से, बड़ी दीनता से, बड़ी नम्रता के साथ हम उसको धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाएंगे और अपने किए गए हर एक गुनाह अपराध की उसके सामने क्षमा मांगेंगे। क्योंकि पृथ्वी पर और स्वर्ग में यदि कोई है हमारे गुनाह, हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला, तो वो यीशु नाम है, मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टि करता प्रभु, बड़ी दीनता नम्रता से ये रात के समय हम तेरे चरणों के पास आते हैं, मेरे बाप, मेरे स्वामी। खुदावन खुदा, हम तो किसी योग्य नहीं, हम तो टूटा हुआ वो पात्र है प्रभु जी, वो घिनौना बर्तन है प्रभु, जिसको कोई देखना नहीं चाहता, जिसको कोई इस्तेमाल करना नहीं चाहता, मेरे राजा। परंतु पिता, तू उन्हीं बर्तनों को उठा करके अपने योग्य बनाता है जिसकी संसार को जरूरत नहीं होती। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी बढ़ाई हो, तेरी महिमा हो मेरे राजा, क्योंकि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तू आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। तू स्तुति के योग्य है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला राजा है। पिता, हम अपने जीवन की हरेक उत्तम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, कि तूने पिछली रात भर हम सबको संभाला और जीवितों की भूमि में भला चंगा उठाया। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने हमको सुबह से इस समय तक अपने पवित्र पंखों की आड़ में छुपा कर रखा, हर ठोकर लगने से, आंसू बहाने से, मृत्यु शैया से बचाया प्रभु जी, तमाम भयंकर ऐसी बीमारियों से, दुर्घटनाओं से बचाया मेरे राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमको सुंदर भोजन खाने के लिए दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। सुंदर घर रहने के लिए दिया प्रभु जी, भौतिक सारी आशीषों से नवाजा मेरे प्रभु। हम तेरी स्तुति करते मेरे बाप, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। तूने हमको नौकरी धंधे वाला बनाया, तेरी स्तुति हो, तेरी बढ़ाई। तूने हमको माता पिता बनने का सौभाग्य दिया प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते मेरे राजा। प्रभु तूने हमको अच्छी बुद्धि और ज्ञान दिया प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते, तेरी बढ़ाई करते मेरे प्रभु। प्रभु इन सारी आशीषों के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और जब हम अपने जीवनों को निहारते हैं, टटोलते हैं प्रभु, तो इन सब के सामने हमारे जीवन निकम्मे, नालायक और पापी पाए जाते हैं पिता। हम पल पल के पापी और क्षण क्षण के गुनहगार हैं मेरे यीशु मसीह। प्रभु हम तुझसे माफी मांगते हैं, क्योंकि तू हमारा बाप है। तूने हमसे कहा है, तुम मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम तुझसे माफी की याचना करते हैं।
जितने भी गुनाह अपराध प्रभु हमसे हुए हैं, जो हमने जानबूझ के किए हैं, जो अनजाने में हुए हैं, प्रभु पृथ्वी पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो कि तेरे योग्य हो। पिता, हम अपने हर एक ऐसे पापों की तेरे सामने क्षमा मांगते हैं। प्रभु जी, हमारा बोलना, चालना, उठना, बैठना, हाथों के द्वारा कार्य करना, आंखों के द्वारा देखना, जुबान के द्वारा बोलना, कानों के द्वारा सुनना, विचारों में सोचना, प्रभु जिस तरीके से भी कोई गुनाह हुआ तो हमको क्षमा कर दे, क्योंकि तू माफ करने वाला बाप है। तो हमको क्षमा कर पिता, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रभु की स्तुति हो। आइए इस समय हम स्तुति आराधना में जाएंगे और हम एक गीत गाएंगे। मेरी गीत की किताब में गीत का नंबर है 105। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप जो मेरा ही, इन चांद सितारों में है आंख जो तेरा ही, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आंख जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल के रख जाना है एक बात मोहब्बत का, था पार सका कोई सागर है तुलपत का, दिल के रख जाना है एक पाक मोहब्बत का, था पार सका कोई सागर है तुलपत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रभु यीशु मसीह का भजन मुझे और आपको इस समय इस तरह से सिखाता है प्रियो, कि हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। सचमुच
खुदा के लोगों, जब हम उसकी मोहब्बत को अपने दिल में सजाते हैं, जब हम उससे मोहब्बत करते हैं, तो खुदावंत खुदा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारे हृदय में इतनी खुशी, इतना आनंद होता है जो दुनिया हमको नहीं देख सकती, जो दुनिया नहीं देख सकती। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति में एक और गीत गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नीले आसमां के पार रहता है, और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से स्वर्ग पर उठा लिया गया, खुदा के लोगों, जीवित कलाम कहता है कि उसने कहा है कि मैं तुम्हें फिर से लेने आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और खुदावंद खुदा के दाहिने हाथ बैठकर वो मेरे और आपके लिए जगह तैयार करता है। और हम इस आशा में, इस विश्वास में अपने आप को तैयार करें कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको लेने एक दिन आने वाला है। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, उसके आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, है विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये विश्वास है मेरा ना होगा अधूरा, और प्रभु यीशु मसीह का कोई भी विश्वास जो प्रभु के ऊपर हम करते हैं प्रियो, कभी भी अधूरा ना रहेगा। आइए इस समय हम वचन में जाएंगे और पवित्र शास्त्र कलाम में से पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, जो कि ये वचन बहुत ही मुख पाठ वचन है, और हमने कई बार पढ़ा होगा और सुना भी होगा, और हम भी बचपन से संडे स्कूल में, चर्च में, मीटिंगों में, और हर तरीके से हमने सुना है कि परमेश्वर का कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यस, खुदा के लोगों, परंतु परमेश्वर के कलाम को मैं और आप, हम जितनी बार पढ़ते हैं, जितनी बार मनन करते हैं, उतनी बार हम उसमें से नया और नया और नया सीखते जाते हैं, क्योंकि ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसको कि हम कभी भी संपूर्ण नहीं समझ सकते। ये जीवित खजाना है खुदा के लोगों। सो आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार। यदि आप लोग भी बाइबल लेकर बैठे हैं, तो जितने मेरे साथ ऑनलाइन में इस समय जुड़े हुए हैं, आप इस कलाम को निकाल सकते हैं, उसका 7वां अध्याय और उसकी 7 आयत से लेकर के 12 आयत तक परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है
वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो वह उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों कर ना देगा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु के नज़दीकी में जाएंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं तो निर्बुद्धि निर्ज्ञानी हूँ प्रभु, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, प्रभु मैं कैसे तेरे वचन को बोल सकती हूँ? पिता तू अपनी आत्मा से भर, अपनी रूह से भर, इस खाली बर्तन को अपने हाथों में उठा ले और भर दे अपनी आग से, भर दे अपने अभिषेक से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, ऐसा तेरा कलाम कहता है प्रभु। सो आइए हम प्रार्थना करें। शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु हम तेरे पास आते हैं पिता, हम कहाँ जाएं यीशु राजा, हम किसकी ओर निहारे प्रभु जी, किससे मदद मांगे पिता? ओ प्रभु यीशु मसीह, तूने हमसे कहा है कि तुम मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, प्रभु आज हम तुझसे मदद मांगते हैं प्रभु, ये तेरी बेटी ओ प्रभु यीशु मसीह तुझसे मदद मांगती है यीशु राजा, अपनी आत्मा का अभिषेक उतरने दे ओ प्रभु यीशु मसीह, जिस किसी ने तेरी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, प्रभु आत्मा का अभिषेक उतरने दे, आत्मा का अभिषेक उतरने दे ओ प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु यीशु मसीह। जब तेरे शिष्य अपने आप को एक रूम में बंद करके बैठे हुए थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे, प्रभु यीशु राजा स्वर्ग से जीव जैसी आग उनके ऊपर तूने उंडेल दी, वो जीव आज हम तुझसे मांगते हैं प्रभु जी, उस आग का अभिषेक हम मांगते हैं प्रभु जी। ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी, मैं तो पापी हूं प्रभु जी, मैं तो किसी योग्य नहीं प्रभु, मुझे तो कुछ भी नहीं आता मेरे स्वामी, ओ पिता अभिषेक से भर, आत्मा से भर, आत्मा से भर प्रभु जी, मेरी जुबान को स्पर्श कर, मेरी बुद्धि को स्पर्श कर, मेरी आंखों को स्पर्श कर, ओ प्रभु तेरा अभिषेक उतरने दे। तेरे वचन में हमने पढ़ा है प्रभु, तू कहता जहां दो या तीन मेरे नाम पे इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होगा, प्रभु तेरी हाजिरी उतरने दे ओ प्रभु, तेरी ओर हम दृष्टि करते हैं प्रभु, तू आसमान से हमको स्पर्श कर, इस रूम को प्रभु जी तेरी आत्मा से भर दे, आज तेरा वचन प्रभु हमसे बातचीत करने पाए ओ प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन पहले मेरे लिए हो खुदा ओ प्रभु, पहले मुझसे तू बातचीत कर, बाद में दूसरों के लिए हो प्रभु, पहले तू मुझे भर दे प्रभु, अपनी बेटी को भर दे प्रभु जी, अभिषेक से भर, बोलने की सामर्थ दे, शब्दों को भर प्रभु, क्या बोलना है मुझे नहीं मालूम पिता, तू बोल प्रभु, तू बोल हम सुने, तू बोल प्रभु हम सुने, इस घर के चारों तरफ पिता तेरे स्वर्ग दूतों को मेरे सामर्थ्य खुदा, ओ यीशु तूने मुझे अधिकार दिया है, तूने मुझे अधिकार दिया अंधकार की शक्तियों को तोड़ती हो प्रभु जी, तेरे स्वर्ग दूतों को
तलवार आग के लिए हुए तैनात करती हूँ प्रभु जी। हर एक गड़बड़ी करने वाली आत्माएं, निंदा करने वाली आत्माएं, शैतानी शक्तियां प्रभु तेरे नाम से दूर हूं। तेरा आत्मा यहाँ पर जुम्मिश करने पाए, तू हमसे बातचीत करने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु। यस प्रभु, यस प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो स्वामी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और आज हम प्रभु से मांगते हैं कि तू अपनी आत्मा से हमको भर। यस, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने और आपने इस वचन को बहुत बार सुना है, परंतु आज हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा को मांगने के लिए सीखने जा रहे हैं। हम प्रभु की आत्मा को मांगे, क्योंकि अब हमारे पास तो प्रभु ने सब कुछ दे दिया है। हमको उसने जीवित रखा, हालेलुया। हमको उसने भोजन से तृप्त किया संसारिक, हालेलुया। हमको सुंदर रहने के लिए घर दिया, उसकी स्तुति हो। उसने हमको माता पिता बनने का अवसर दिया, उसका धन्यवाद हो। उसने हमको अच्छी नौकरी दी, अच्छा ज्ञान प्रदान करा, उसका धन्यवाद हो। अब मेरे और आपके पास यदि कुछ कमी है, यदि हमको कुछ मांगना है, यदि आज हम प्रभु से कुछ मांगे तो क्या मांगे, क्या मांगे? खुदा के लोगों, मैं और आप जानते हैं इस पवित्र शास्त्र की हर एक बात जो धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। मैं और आप उस आमद के नजदीकी पहुंचते जा रहे हैं, मैं और आप उस न्याय के सिंहासन के नजदीक जाने की तैयारी शुरुआत हो चुकी है। अब समय है कि मुझे और आपको परमेश्वर पिता तू अपनी आत्मा का अभिषेक दे। प्रभु तू हमको बंधनों से छुड़ा, प्रभु यीशु मसीह। हम आज तक अंधकार की शक्तियों में थे प्रभु, हम आज तक हंसी और छिटोले में थे प्रभु यीशु मसीह, आज तक हम संसार की अभिलाषाओं में थे। हाय, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे की नौकरी, मेरी बेटी का विवाह, मेरे बेटे का विवाह, मेरे बेटे को प्रमोशन, मेरे पति को प्रमोशन, मेरे कर्जे को दूर कर दे, मेरे पास एक अच्छा घर हो, बंगला हो, धन हो, दौलत हो, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने और आपने आज तक, आपका मुझे नहीं मालूम, परंतु सचमुच आत्मा की सच्चाई से प्रभु के आगे यदि कुछ मैंने मांगा तो सिर्फ यही मांगा, प्रभु मेरे बच्चे बहुत अच्छे रहे, हालेलुया, मेरे बच्चों का एजुकेशन बहुत अच्छा हो, प्रभु मेरे पति को अच्छा रखना, मेरे भाई बहन को अच्छा रखना, सबको सबको सब कुछ अच्छा रखना। कभी मैंने अपनी आत्मा की क्या चिंता करी? कभी मैंने अपने पति की आत्मा की चिंता करी? अपने बच्चों की आत्मा के लिए मैंने मांगा, प्रभु वो किस मार्ग पे हैं, तू उनको बचा ले। ओ पवित्र आत्मा सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे बेटे और बेटियां कहाँ हैं, तू उनकी आत्मा को बचा ले। ओ हालेलुया, मेरा भाई किस मार्ग पे है, मेरी माँ को प्रभु तू आत्मा से भर दे, मेरे परिवार को तू आत्मा से भर दे, मेरी बहन को तू आत्मा से भर दे। क्या मैंने और आपने कभी इस बात को प्रभु के सामने मांगा? यदि नहीं मांगा, यदि नहीं मांगा खुदा के लोगों, तो आज परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको अपनी आत्मा के अभिषेक से भरने जा रहा है। मांग लो प्रभु की सामर्थ को, मांग लो प्रभु की आत्मा को। प्रभु आज से मैं जो कुछ करूं तेरे लिए करूं, प्रभु आज से मैं यदि हंसूं तो तेरे लिए हंसूं, प्रभु आज से यदि मैं काम करूं तो तेरी महिमा के लिए करूं, प्रभु आज से यदि मैं ये हाथ उठाऊं तो तेरी स्तुति के लिए उठाऊं, प्रभु आज से मैं यदि दिल से बोलूं तो आत्मा की सच्चाई से सच बोलूं। ओ प्रभु तेरी आत्मा से आज अभिषेक कर दे। मांगना, मांगना मेरे प्रियो। खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारे मांगने से पहले हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। हालेलुया। कभी भी मैंने और आपने ये नहीं देखा होगा मेरे प्रियो खुदा के लोगों कि कोई व्यक्ति भूखा सोया, कोई प्रभु से प्रेम करने वाला क्या भूखा सोया? यदि कोई सोया तो आज कह दे
प्रभु ने कभी किसी को भूखा ना सुलाया होगा। ओ हालेलुया, जब उसने अपने लोगों को गुलामी में से छुड़ाया और मूसा और हारून की निगेवानी में उस बंधन में से छुड़ा कर लेकर आया और लोग बुड़बुड़ाने लगे, लड़ने लगे, प्रभु परमेश्वर तू हमको यहाँ ले आया भूखा मारने के लिए ले आया, अरे जंगल में पानी भी नहीं है, हमारे जानवर भूखे मर रहे। ओ हालेलुया, ओ सामर्थी परमेश्वर भूल गए कि किस अद्भुत रीति से उन 10 विपत्तियों को भेजकर मिस्रियों की गुलामी में से छुड़ा लिया। हालेलुया, वो सामर्थी परमेश्वर क्या उस जंगल में आपके लिए मेरे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता? भूल गए, भूल गए। और मेरा और आपका भी आज खुदा के लोगों यही हाल है, यही हाल है, हमारे जीवनों का यही हाल है। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके मांगने से पहले हर एक आवश्यकताओं को पूरी करता, परंतु हम उन संसारिक बातों में, उन संसारिक अभिलाषाओं में हाय हाय हाय, और उस समय हमारी स्थिति प्रभु उसी नजर से देखता है जैसा उसने इसराइलियों को देखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता कहता, मूसा देख तेरे लोगों को, देख तेरी प्रजा को, इनको मैं कैसे निकाल कर लाया, ये भूल गए इन्होंने क्या किया। मैं और आप भी आज यही करते, खुदा के लोगों हम भी यही करते, इस पास्टर को, उस पास्टर को, इस प्रार्थना को, उस प्रार्थना को, परंतु हम प्रभु के सामने अपने आप को खाली करके भरना नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते। प्रभु कहता है तू मांग, आज मांग ले, आज मांग ले, मैं तुझे देने जा रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, मांग ले। और खुदा के लोगों हम एक वचन निकालेंगे मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, हम मांगने के ऊपर जो कि चर्चा कर रहे हैं और मांगने के ऊपर हम सीख रहे हैं, मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़ना, मेरी बुआ पढ़ेगी जोर से। मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत, जरा धीरे पढ़ना बुआ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्या कहता? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, वो मुझे और आपको कहता, मेरे प्रियो, ओ हालेलुया, कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जो कुछ प्रार्थना करके मांगो, प्रार्थना करके मांगो, आगे तो प्रतीति कर लो, तो प्रतीति कर लो। हमने प्रार्थना तो कर ली, प्रार्थना तो करवा ली, परंतु क्या प्रतीति करी? ओ हालेलुया, मेरा और आपका जीवित सामर्थी परमेश्वर कहता है जो कुछ तुम मांगो, जो कुछ। उसने नहीं कहा कि तुम सिर्फ रुपया मांगो, उसने नहीं कहा कि तुम सिर्फ अपने बेटी की पढ़ाई के लिए मांगो, उसने नहीं कहा कि तुम बीमारी से चंगाई होने के लिए मांगो, उसने नहीं कहा तुम्हारे पास धन की घटी है तुम धन मांगो, उसने नहीं कहा तुम बुद्धि मांगो, जो कुछ मांगो, जो कुछ, एवरीथिंग। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से खुदा के लोगों, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हम उसके बेटा, पंखा चालू करना, हम उसके खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम उसके बच्चे हैं। हम जो कुछ उससे मांगे, उसने कह दिया, मैंने तुमको किसी चीज का नाम नहीं बताया, मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ यही मांगना, मैं तुमको यही दूंगा, तुम जो कुछ मांगो, जो कुछ मांगो, मैं तुमको क्या कहता है, प्रार्थना में तुम जो कुछ मांगो और प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया, कि तुम्हें मिल गया, दैट्स ऑल। प्रभु का कलाम कहता है मांगा, विश्वास किया, यदि विश्वास किया तो तुमको मिल गया, इस बात का तुम विश्वास कर लो। हालेलुया, इस बात का विश्वास कर लो। और मेरे और आपके जीवन में यही कमी है, विश्वास की, विश्वास की।
परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, तुमने जो मांगा विश्वास से मांगा, प्रतीति करो तुमको मिल गया, खत्म। तुमने मांगा, मेरा काम है देना, मेरा काम है देना, परंतु विश्वास करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सामर्थी परमेश्वर मुझे और आपको आज इसी तरह से मांगने के लिए सिखाता है, जो कुछ मांगो विश्वास करो तुमको मिल गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम एक और वचन निकालेंगे, लुका रचित सुसमाचार। हालेलुया, लुका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन मांगने के लिए मुझे और आपको क्या सिखाता है। लुका उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ना। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। खुदा के लोगों, बहुत ही ध्यान से इस बात को मुझे प्रभु सिखा रहा है। ये मेरे लिए कह रहा है पहले कि जब तुम बुरे होकर, पृथ्वी पर का एक भी कार्य परमेश्वर की नजरों में योग्य नहीं है। हमारे सारे कार्य मैले चिथड़े के समान है खुदा के लोगों, और प्रभु मुझे कहता है कि जब तू बुरी होकर, मेरी नजरों में बुरी होकर तू अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहती है, और आगे क्या कहता है, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारी वस्तुएं मांग लो। मरकुस की इंजील में हमने देखा 11वें अध्याय की 24वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ मांगो मैं तुम्हें दूंगा। लुका रचित सुसमाचार में कहता है, यदि तुम क्या पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्या मैं तुमको नहीं दूंगा। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, और जब मेरे बच्चे तुम होकर मुझसे पवित्र आत्मा का दान मांगोगे तो क्या मैं तुमको नहीं दूंगा। खुदा के लोगों, यही तो प्रभु आज मुझे और आपको सिखा रहा है, यही तो वो मुझसे और आपसे बात कर रहा कि तुम मुझसे पवित्र आत्मा का दान मांगो, मैं तुमको भर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हो, अरे भाई तुम भी तो मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम भी तो मेरे बच्चे हो, तुम क्यों कर नहीं मुझसे पवित्र आत्मा मांगते हो। मैं तुमको दूंगा। यस, खुदा के लोगों, हम समय का अभाव है और एक और पवित्र शास्त्र में से वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना 14 उसकी 16वीं आयत, मैं पिता से विनती करूंगा। कौन विनती कर रहा है, मेरे और आपके लिए खुदा के लोगों। यहाँ पर हमको इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लेना है कि मेरे और आपके लिए विनती करता, निवेदन करता कौन है। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जब हमारे बच्चों को कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, उस समय हम क्या करते हैं, कोई बहुत बड़े अधिकारी को ढूंढते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसकी कि उस कॉलेज में बहुत अच्छी पहचान हो, जिसकी कि उस कॉलेज में सिफारिश से मेरे बच्चे को उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। हम ऐसे लोगों को ढूंढते या नहीं मुझे नहीं मालूम आपके विषय में, परंतु हम हमेशा अपनी सिफारिश के लिए अपने से ज्यादा बड़े अधिकारी को ढूंढते हैं कि हमारा शॉर्टकट में काम हो जाए। यस, सचमुच हम ऐसा ही करते हैं। और यहां पर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, हालेलुया, क्या कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा। विनती करने वाला आपको और मुझे मालूम कि वो कौन है। मैं पिता से विनती करूंगा, परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु मसीह, ओ हालेलुया, मेरे और आपके लिए वो विनती कर रहा है। और आगे कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। और वो सहायक कौन है,
पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, जो मेरी और आपकी अगुवाई करता है, जो मुझे और आपको इस संसार में ना दिखते हुए पे भी चलाता है, जो मेरे और आपको हर एक परेशानियों में से, मुश्किलों में से, बीमारियों में से, दुर्घटनाओं में से, गरीबी में से, हर एक ऐसी बातों में से पसार करके सुरक्षित पहुंचाता है, परमेश्वर का आत्मा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मांगो, मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए निवेदन करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्यों ना मैं और आप आज परमेश्वर के सामने निवेदन करें, क्यों ना आज हम अपने हृदय को खाली करें, क्यों ना हम बोले, प्रभु यीशु, आज मैं तेरे सामने सरेंडर करती हूं। यस मेरे राजा, ओ हालेलुया, प्रभु मैं जैसी भी हूं तेरी बेटी, प्रभु मैं तेरा बेटा, मुझे भर, मैं तुझसे पवित्र आत्मा का दान मांगती हूं, प्रभु तू मुझे बुला। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए निवेदन करूंगा, मेरा और आपका निवेदन करता, इस जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। अब हमको किस सपोर्ट की जरूरत है, अब हमको कौन से अधिकारी की जरूरत है, जबकि हमारा निवेदन करता खुद पिता के सामने बैठकर निवेदन कर रहा है, जबकि वो खुद कहता है मैं तुम्हारे लिए निवेदन करूंगा, तो मांगो, मैं तुमको अपने पिता से बोलूंगा, निवेदन करूंगा कि तू अपना आत्मा इनके ऊपर उंडेल दे, इनके ऊपर उंडेल दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हम एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में क्या कहता है, 26वीं आयत। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ओ हालेलुया, परंतु सहायक, मददगार, पिता जो मेरे नाम से तुम्हारे ऊपर उतरेगा, वो तुम्हारा मददगार बनेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरा और आपका मददगार बनेगा, वो मेरा और आपका सहायक बनेगा, वो मेरा और आपका छुड़ाने वाला बनेगा, वो मेरा और आपका चलाने वाला बनेगा, वो मेरे और आपको अंधेरे में प्रकाश दिखाने वाला बनेगा। जब हम ऐसे अंधकार में, पाप में, अंधकार में चलते होंगे, उस समय पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में रोशनी का काम करेगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू कहां चल रही है, तू कहां जाता है, आगे मत जा मेरी बेटी, आगे खाई है, पाप की खाई में तू गिर जाएगी। उस समय वो सहायक, वो पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगो, और हम फिर से अपने वचन में आएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 7वीं आयत में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ओ हालेलुया, प्रभु तो कह रहा है, मेरी बेटी आज तू मांग ले, मेरे बेटे तू आज मांग ले, आज तू अपने दिल के दरवाजे पर देख, प्रभु यीशु मसीह तेरा सहायक, तेरा मददगार खड़े होकर तेरे दिल के दरवाजे को ठोक रहा है। खोल दरवाजा। जक्कई, उसके अंदर इतनी जिज्ञासा थी, आप और मैं जानते हैं जक्कई के जीवन के विषय में, एक बड़ा अधिकारी था, परंतु उसके मन में प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा, उसके मन में एक इतनी तीव्र इच्छा हुई कि मैं उस उद्धारकर्ता को देखूं, मैंने सुना है, मैं उस यीशु नासरी को देखना चाहता हूं। नाटा होने के कारण, छोटा होने के कारण, भीड़ के कारण नहीं देख सकता, खुदा के लोगों, उसने उस नाटेपन को सोचते हुए प्रभु यीशु मसीह को देखने का डिले नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा, अरे अब जाने दो, इतनी भीड़ है, मैं तो इतना छोटा हूं, अरे मैं देख भी नहीं पाऊंगा, मैं बीच में घुसूंगा, लोग मुझे दबा देंगे, मैं कैसे देखूं प्रभु को। ओ हालेलुया, उसके मन की इच्छा प्रभु यीशु मसीह ने देखी। आज मेरे और आपके मन की इच्छा को प्रभु देखता है, आज प्रभु देखता है कि किस इच्छा से मैं और आप उससे पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं।
किस इच्छा से हम अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किस इच्छा से हम अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं, किस इच्छा से हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, वो मेरे और आपकी इच्छा को जानता है, जानता है। और खुदा के लोगों जक्कई झट से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। आज मैं और आप भी विश्वास के पेड़ के ऊपर चढ़ जाएं। क्यों ना हम जब विश्वास के पेड़ के ऊपर चढ़े तो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको भी बोलेगा, मेरी बेटी मैं आज तेरे घर में उपस्थित हूँ, मैं तेरे दिल रूपी घर में उपस्थित हूँ, आज मैं तेरे साथ हूँ। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जक्कई का हर एक बुरापन जाता रहा, जक्कई का हर एक बुराई जाती रही, प्रभु यीशु मसीह निकल रहा है, देख रहा, वो तो राजाओं का राजा अंतर्यामी है, उसको तो पता था आगे जाके एक नटनाटा व्यक्ति है जो कि जिसके अंदर बहुत जिज्ञासा मुझे देखने की, और वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। क्या प्रभु यीशु मसीह का अकस्मात ऊपर देखना हुआ था? नहीं, खुदा के लोगों, प्रभु को मालूम था कि वो मुझे देखने के लिए चढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने जान के उसको देखा, जक्कई नीचे आ जा, आज मैं तेरे घर में खाऊंगा, आज मैं तेरे घर में बैठ। जक्कई सब छोड़ के उतर आया, सब फेर दूंगा प्रभु, सब दे दूंगा, जिसका आज तक मैंने डबल लिया उसको तिबल दे दूंगा, अब मैं तेरे पास आ जाऊंगा प्रभु जी। ओ हालेलुया, लोग देख के बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, जक्कई के विषय में बहुत टिप्पणी करी, यीशु मसीह के विषय में बहुत दोष लगाए। यीशु मसीह ने क्या अपना मार्ग बदल दिया? नहीं बदला, नहीं बदला। कुछ भी बोलो, मुझे तो मेरे पिता ने इस संसार में, मुझे मेरे पिता ने इस संसार में तुम्हारे लिए भेजा है, मैं उस स्वर्गीय काम को करूंगा। आज मुझे भी प्रभु ने इस संसार में इसीलिए भेजा है। हालेलुया, आज प्रभु ने भेजा है। प्रभु कहा है, बैठी मत रहे, उठ, कौन जाएगा, कौन जाएगा? प्रभु तू मुझको भेज, तू चाहे जा। प्रभु मैं तो नहीं जानती थी ये इंटरनेट पे कैसे बोलना है, प्रभु मुझे नहीं मालूम था इस वचन को कैसे बोलना। ओ प्रभु यीशु, तूने अपने आत्मा का नमक इस जीवन में भर दिया। सामर्थी परमेश्वर हर एक के जीवन को नमकीन बनाता, हर एक के जीवन को, वो हमारी जिज्ञासा को जानता है, वो हमारी भूख को जानता है, वो हमारी भूख को जब हम उसके आगे पेट पकड़ के जाते हैं, प्रभु अब उससे नहीं होगा, अब तू मुझे अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दे। यस यस, खुदा के लोगों, उसी समय प्रभु यीशु मसीह अपने दाहिने हाथ को हमारे सिर पे रखता, हमारे कंधे पे रखता, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे भरता हूँ, मैं तुझे भरता हूँ, मैं तुझे भरता हूँ, जा इस संसार में नमक की तरह काम कर, इस संसार में प्रकाश की तरह चमक। ओ हालेलुया, आज मेरी क्या औकात, मेरा क्या वजूद कि इतने लोग इंटरनेशनल पेज पर मैं बोल सकूं, परंतु ये मेरी गवाही मेरी नहीं, मेरे प्रभु की है, मेरे प्रभु की है, जिसने इस अनपढ़, इस पापी व्यक्ति को उठा करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और कहता है, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। और खुदा के लोगों, बड़ा ही सुंदर वचन है, नौवीं आयत में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। आज मेरा बेटा मेरे पास आके मुझसे कहे, मम्मी बहुत जोर से भूख लग रही, जल्दी खाना दे दो, तो मैं बोलूं, बेटा जा बाहर ईटा पड़ा उठा के खा ले, ऐसा बोलूंगी क्या मैं? नहीं, खुदा के लोगों, ऐसा नहीं बोलूंगी। भले कुछ काम कर रही होंगी, अगर बाइबल पढ़ रही, हाँ बेटा रुक जा भी बनाती हूँ, एक साइड रख के, मुझे चिंता हो रही मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा भूखा, वो भूख को मैं अपने बच्चे की सहन नहीं कर पा रही हूं, और जल्दी से उठ के उसने रोटी मांगी, मैं उसको पराठा बना के दूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह। हम उससे बोलते, पिता तू माफ कर, माफ कर, आज तक जो कुछ किया माफ कर। मेरा पिता,
मेरा खुदा कहता बेटी मैंने तुझे माफ किया और अपनी आत्मा से भर दिया। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस। अपनी आत्मा से भर दिया, अपनी आत्मा से भर दिया। जब हम उसके पास जाते हैं, जब हम उसको बोलते हैं प्रभु मुझे माफ कर, वो ना सिर्फ माफ करता परंतु अपनी आत्मा से भरता है, अपनी आत्मा से भरता। और वचन कहता है तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्या अच्छी वस्तुएं ना देगा। वो कौन सी अच्छी वस्तुएं हैं जो मैं और आप प्रभु के सामने मांगे। खुदा के लोगों, हम अपने स्वभाव को, हम अपनी जुबान को, हम अपने कान की सुनने की शक्ति को, हम अपने हृदय की सोचने की शक्ति को, हम अपने हाथों से कार्य करे जाने की शक्ति को हम आज प्रभु से मांग ले। प्रभु मैं जब भी बोलूं तेरी महिमा के लिए तो मुझे दे दे प्रभु जी, वो दे देगा, वो भर देगा। तो खुदा के लोगों आइए आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा का दान मांगे। आज हम उससे बोले हे प्रभु मैं तेरे पास आई हूँ, प्रभु मैं भूखी हूँ, मैं तेरे आत्मा की भूखी हूँ, मैं अंतरात्मा से प्रभु आज तक मैंने संसार में रहके बहुत अच्छे अच्छे भोजन खाए, बहुत बिरयानी मटन चिकन बहुत सब कुछ खाया प्रभु, परंतु मेरे जीवन में एक बड़ी भूख है प्रभु जो नहीं भर पा रही, नहीं भर पा रही है। प्रभु मैं तुझसे मांगती हूँ भर दे मेरे राजा, आज की रात तू मेरी भूख को खत्म कर दे। ओ हालेलुया प्रभु, मेरे और आपके मांगने की नियत को देखकर आसमान के झरोके खोलकर आत्मा के अभिषेक से भर देगा। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम एक वचन देखेंगे भजन संहिता और उसका 28वां अध्याय। हालेलुया थैंक यू जीसस। भजन संहिता की पुस्तक उसका 28वां अध्याय आप मेरे साथ निकालें और उसकी एक आयत से लेकर के 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। सहायता के लिए प्रार्थना मैं और आप मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा की सहायता, और उसके लिए दाऊद भक्त क्या कहता है देखिए। हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा पुकारूंगा। मुझे और आपको मांगना है, प्रभु से मांगना है, अब चाहे कुछ हो जाए। ओ यहोवा मैं तुझे पुकारूंगा, मैं तुझे पुकारूंगा। हालेलुया मैं तुझे ही पुकारूंगा। और आगे हे मेरी चट्टान मेरी सुनी अनसुनी कर, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। खुदा के लोगों, परमेश्वर के आगे मुझे और आपको अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने अंतरात्मा से मांग कर कहना है तूने सुना तो है प्रभु। ऐसा तो नहीं है दीवार के पास तक गया और अनसुनी हो, अनसुनी तो ना हुई हो। प्रभु तू मेरी सुनी को अनसुनी ना कर। तू ऐसा ना कह ओ विनीता चल अभी जा 5 दिन के बाद आना फिर मैं तेरी प्रार्थना का जवाब दूंगा। प्रभु मुझे आज चाहिए, आज चाहिए, आज भूख लगी है तू आज मेरा पेट भर दे। मांगने के लिए प्रभु से कहना तू मेरी सुनी को अनसुनी ना कर, आत्मा से सुन ले और भर दे और दे दे। और आगे क्या कहता है, ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े पड़े हुओं के समान हो जाऊं। ओ हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, ऐसा होता है हम प्रार्थना करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना और मैंने भी इस चीज का बहुत अनुभव किया था। हम एक लंबे समय से एक विनती प्रभु के सामने कर रहे हैं, मांग रहे हैं परंतु सुनी को अनसुनी प्रभु मेरे और आपके मांगने के नजरिए के अनुसार करता है। हालेलुया। हम उससे किस नजरिए से मांग रहे हैं, किस नियत से मांग रहे हैं। और क्या होता, हमने लोगों को सुना है, लोग कहते हैं अरे हम तो कितने समय से प्रार्थना कर रहे हैं इनके लिए, ये बिस्तर पर लेटे हैं,
हम तो बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, यह अच्छा ही नहीं हो रहा है। हम तो बहुत लंबे समय से कितने दासों से प्रार्थना करवा लिए, तो दारू पीना ही नहीं छोड़ता है। हम तो बहुत लंबे समय से प्रार्थना, अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये नहीं सुधरेगा। क्यों नहीं सुधरेगा? क्या मुर्दा मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं जिलाया? क्या 4 दिन के सड़े लाजर को प्रभु ने कब्र से ना निकाला? क्या यायर की बेटी को जो मर गई थी यीशु मसीह ने नहीं उठाया? खुदा के लोगों, तो उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं, वो क्यों नहीं सुधरेगा? क्यों नहीं सुधरेगा? लेकिन वो हमारे मांगने के नजरिए को देखता है, वो हमारे मांगने के विश्वास को देखता है, वो हमारे मांगने की नियत को देखता है। हम किस नियत से मांगते, किस नजरिए से मांगते हैं, और हम देखते हैं कि जब हमारी प्रार्थना की अनसुनी होती है, उस समय हमारा जीवन कैसा होता है? मानो हम कब्र में पड़े हुए मुर्दे के समान हैं। अंदर कब्र में मुर्दा जो रखा हुआ है, उसको तो कोई नहीं जानता कि वो कैसा रखा है, वो कैसा रखा। हमने रख दिया, गड़ा के आ गए, तीसरे दिन गए, फूल डाल के आ गए, उसके बाद दैट्स ऑल। हमको नहीं मालूम कि कब्र के अंदर क्या हो रहा। ओ सामर्थ्य परमेश्वर, तू मेरी स्थिति ऐसी ना होने देना। आज मैं तुझसे पवित्र आत्मा का दान मांगती हूं प्रभु। तूने कहा है मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। मैं आज मांगती प्रभु जी, तो मुझे भर अपनी सामर्थ्य से, भर अपनी सामर्थ्य से, वो मुर्दे जैसी स्थिति मेरी ना होने दे, कर्म में पड़े हुए मुर्दे के समान मेरी स्थिति ना होने दे प्रभु। तो मेरी प्रार्थना को सुन, तू मेरी प्रार्थना को सुन। और आगे कलाम में क्या लिखा है? मैं कब्र में पड़े हो के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं, उनके समान तू मुझे ना होने देना। और आगे दूसरी आयत में क्या कहता है? जब मैं तेरी दुहाई दूं, जब भी मैं तेरी दुहाई दूं, अभी या आधी रात को, या सुबह तड़के उठ के, या बीच दोपहर में, या काम करते करते, या बर्तन मांजते मांजते, या आटा गूंथते गूंथते, या रोटी बनाते समय, या ड्राइविंग करते समय, या सफर में, जब भी जब भी जब भी प्रभु के साथ मेरा और आपका रिश्ता, यहां मेरा और आपका रिश्ता बताता है दाऊद, जब भी मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं। ओ हालेलुया, कहता है दाऊद भक्त, कहता है जब भी मैं तेरी दुहाई दूं, जब भी मैं तेरे पवित्र स्थान के भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथों को उठाऊं, अपने हाथों को उठाऊं, हालेलुया, तब उस समय, तब मेरी गिड़गिड़ाहट को बात सुन ले, तब तू मेरी गिड़गिड़ा के जो मैं बात तुझसे कर रहा हूं प्रभु, तू सुन लेना। हालेलुया, सुन लेना, मांगना। इस तरह से मुझे और आपको प्रभु के सामने मांगना है, निस्वार्थी मन से, विश्वास के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार, तुमने जो कुछ मांगा तुम विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया। संदेह ना करो, संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है। पतरस ने बोला प्रभु यीशु मसीह नाव पे चलकर आ रहा है झील पर। पतरस कहता, ओ प्रभु तू मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी चलूं। मैं भी बोल रही हूं प्रभु तू मुझे आज्ञा दे। प्रभु कहता, आ मेरी बेटी, थोड़ा सा चली, विश्वास हुआ, अच्छी बरकतें मिली, खत्म। कौन कहा, कौन प्रभु और मैं कहा, संसार में हम ऐश कर नहीं। खुदा के लोग, पतरस चला चला, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, और डगमगाने लगा, घबराओ प्रभु बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले। मेरे और आपके साथ भी यही स्थिति होती है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब हम बहुत आनंदित रहते हैं, जहां परेशानी आई, जहां मुसीबत आई, प्रभु बचा, तब गिड़गिड़ाने लगते हैं, तब मदद मांगने लगते हैं, तब मदद मांगने लगते हैं। पतरस को प्रभु ने कहा, क्या तुझे विश्वास नहीं? मुझे और आपको भी कहता है, विश्वास से मांगो, प्रतीति कर लो, तुमको मिल गया। हालेलुया, तो आइए आज इन वचनों के आधार पर मैं और आप अपने विश्वास को जांचें।
अपने विश्वास को परखें, प्रभु यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, उसकी भीतरी कोठरी के सामने अपने हाथों को उठाएं। आज तक हमारी जो प्रार्थनाओं की अनसुनी हुई है, हम प्रभु से कहें, प्रभु आज मुर्दों के समान मेरी स्थिति ना होने दे। अब तक मेरी स्थिति मुर्दों के समान थी, आज मुझे तू जीवित प्राणी बना दे। हालेलुया, आज तू मुझे जीवित प्राणी बना दे, आज तू मुझे बचा ले प्रभु। आज मैं तुझसे मांगती हूँ मेरे राजा, तूने मुझे अधिकार दिया है, जैसा एक बच्चा भूखा होकर अपनी माँ के पास आता, मुझे खाना दे, उसकी माँ खाना देती। तू मेरी माँ है, तू मेरा बाप है, तू मेरा भाई है, तू मेरा सब कुछ है प्रभु, सब कुछ है। आज मैं तुझसे आत्मा की चंगाई मांगती प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा के दान से भर दे। स्वर्गीय पिता मुझे और आपको अपनी आत्मा के दान से भरेगा। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे कि तीसरी आयत में क्या लिखा है, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। ओ हालेलुया। मांगने से पहले मुझे और आपको अपने हृदय को परखना है, क्या हम मुंह पे मीठी मीठी चापलूसी बातें तो नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह बोला, अरे जा ना भाई जा, चापलूसी बातें पड़ोसियों के संग कर गई और यहाँ पे मुझे आई बटर लगाने, चापलूसी कर रहे, क्या मैं तेरी बटरिंग में फंसूंगा, चल जा निकल निकल। बटरिंग वाली बातें प्रभु को पसंद, चापलूसाई पसंद नहीं। तुम पहले अपने पड़ोसी के संग अपने रिलेशन को अच्छे कर लो, चापलूसाई छोड़ दो, मन की बुराइयों को छोड़ दो, तब प्रभु हर एक प्रार्थना को सुन करके हाँ और आमीन में जवाब देगा। हालेलुया। हम जल्दी से इसकी छठी और सातवीं आयत को देखेंगे, भजन संहिता 28:6-7। यहोवा धन्य है, यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। ओ हालेलुया। आज मैं और आप इस बात को कह सके कि मैंने आज प्रभु के आगे गिड़गिड़ाया, वो धन्य है, उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुनकर मुझे अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दिया। आमेन। हालेलुया। यहोवा धन्य है, उसने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को, मेरे मन को सहायता मिली है, सहायता मिली है, इसलिए इसलिए मेरा हृदय, मेरा हृदय प्रफुल्लित है, प्रफुल्लित है, और मैं गीत गाकर, और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आमेन। हालेलुया। यदि आज आपने, मैंने प्रभु के आगे गिड़गिड़ाया है, प्रभु के आगे अपने आप को खाली किया है, उसके आगे हमने विनती की है, तो मेरा प्रभु, आपका प्रभु धन्य है, और उसने मेरे और आपके गिड़गिड़ाने को सुन करके हमको प्रफुल्लित किया है, और हम इसीलिए मन से प्रफुल्लित होकर उसका धन्यवाद करें। आइए हम सब इस वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा के दान को मांगकर अपने आप को भरें, और प्रभु के आगे अपने को सलेंडर करें, और विश्वास करें कि स्वर्गीय सामर्थी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा का दान अवश्य देता है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आज तूने हमसे मांगने के विषय में बात करी मेरे राजा। प्रभु, हमने कई बार मांगने के विषय में सीखा, और आज हमने इन नई बातों को सीखा कि हम विश्वास से मांग करके तेरा धन्यवाद करें, और प्रफुल्लित होकर तेरे आगे गिड़गिड़ा कर तुझे धन्य कहें, प्रभु तेरी स्तुति करें कि हमने मांगा और प्राप्त किया। प्रभु जी, आज से हम अपने मन की हरेक चापलूसी को, हरेक बुराइयों को छोड़ करके तेरे समक्ष अपने हृदय को खोलते हैं। पिता, तू हम में से हर एक को अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर, हमसे बातचीत कर, और इस जगत में प्रभु तू हमको नमक की तरह इस्तेमाल कर,
सारा आदर महिमा पराक्रम गौरव प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ। इस दुआ को आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। बाप सुनो और ग्रहण करो, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको और मुझे और मेरे परिवार को आशीष दे, और इसी तरह से हमको अपने वचन की अगुवाई में बढ़ाता जाए। थैंक यू वेरी मच।